अवामी नेशनल पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना में शामिल अपने वजीर सनत अदनान जलील को हटाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में पार्टी के सूबाई सदर एमल वली खान ने निगरान वजीर आला को फैसले से आगाह कर दिया है। एएनपी ज़राए का कहना है, अवामी मफाद के बजाय अदनान जलील का ज़्यादातर झुकाव गवर्नर की तरफ है। अदनान जलील खैबर पख्तूनख्वा इकोनॉमिक जोनर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी में ऑडिट कराना चाहते थे और उन्होंने कंपनी के सीईओ को सवालनामा भेजा था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। अदनान जलील के ज़राए का ये भी कहना है कि अदनान जलील पर इस मामले को ना छेड़ने के लिए दबाव डाला गया। ज़राए के मुताबिक अदनान जलील की जगह मुशीर खेल मतीउल्लाह मरूद को वजीर बनाए जाने का इम्कान है, जबकि एएनपी के अशरफ दाड़ो को भी निगरान काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। दूसरी जानब निगरान सूबाई वजीर सनत अदनान जलील ने कहा कि मेरे इल्म में आया है कि मुझे हटाने की समरी भेजी गई है। मैंने ईमानदारी और खलूस के साथ काम किया, करप्शन रोकने के लिए काम कर रहा था। लगता है इस वजह से हटाया जा रहा है।